हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 30 मई शनिवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे आपके व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ के बारे में। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आपको बताएंगे। आज के दिन आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या न करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आज के दिन आपको किस प्रकार से माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त होंगे और किस प्रकार से आप अपने कष्टों का निवारण कर सकोगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें आज के दैनिक पंचांग के बारे में, तो आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहने वाली है और नक्षत्र आज मघा रहने वाला है। योग हर्षण नामक योग का निर्माण हो रहा है जिनका असर आपके जीवन में होंगे। और आज के दिन अशुभ समय की बात करें तो आज 9:53 सुबह से लेकर 11:14 रहने वाला है और अशुभ समय में यानी राहु काल में किसी भी कार्य को न करें, शुभ कार्य को करना इस समय वर्जित माना जाता है। वहीं बात करें शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की, तो 11:57 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। आप इस समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, आपको में सफलता अवश्य मिलेंगे। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपके ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कौन कौन से प्रभाव डालने वाले हैं आपको बताएंगे। पारिवारिक स्थिति, धन दौलत की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति, लव लाइफ की स्थिति और आपके स्वास्थ्य और करियर की स्थिति आज का दिन कैसा रहेगा आपको बताएंगे। आपको बता दें सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले आपको रोजाना की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जैसा कि आपको पता है हमारे द्वारा बताई गई जानकारियां आपके लिए हमेशा सही और सटीक होती हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा आपके द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाता है, आप हमें कमेंट में कहते हैं, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज चंद्रमा का संचार दिन भर वृष राशि में होंगे, उसके बाद रात्रि में मिथुन राशि में होंगे। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को आज के दिन धन प्राप्ति का योग है, धन निवेश से लाभ होगा, परिवार के सदस्यों से मेलजोल बढ़ाने के लाभकारी उन्नति प्राप्त होंगे। आज के दिन पारिवारिक सदस्यों के मध्य चल रहे मतभेद दूर हो सकेंगे, उन्नति के अनेक अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे, कार्यों में रुचि बढ़ेगी, सफलता नई योजनाओं को भरा आपका दिन रहेंगे, सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे, अचानक से धन लाभ के योग हैं। आज कोई नया कार्य या कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मित्रों, मीन राशि वालों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए काफी खास रहने वाले हैं। आज के दिन सफलता को प्राप्त करने के बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे, आज अच्छे अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे, इन अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें, दोस्तों और सगे संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य आपके लिए काफी अच्छा बना रहेगा। आज के दिन आपको माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, आज अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होंगे जिनसे आपका मन काफी उत्साह आपके रहेंगे, पुरानी समस्याओं का अंत होंगे, आपके विवाह व्यापार करियर लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य या फिर आपके दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो उनसे आपको आज के दिन छुटकारा मिल सकती है। आज के दिन आपको अपने प्रयासों अथवा स्वयं की कोशिशों को करने के प्रत्येक कार्य को करने चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। आज लेन देन के कार्यों में आपको सावधान रहने होंगे, आज आपको नगदी यानी जो लोग व्यापारी वर्ग के जातक हैं उन लोगों को नगद लेन देन नहीं करने चाहिए, ना ही आज किसी को आप उधार देने की कोशिश करें। आज के दिन उधार दिए हुए धन वापस लाने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी योग है कि आपके धन भी वापस ना आए, ऐसे में उधार आज के दिन ना दें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके विरोधी आपकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनकी आलोचना पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बल्कि उन योजनाओं के तहत आप किसी नए कार्य को करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करें, आपको अनेक क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होंगे। आज के दिन आप अपना काम साहस और उत्साह पूर्वक कर सकोगे, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होंगे, अचानक से आपको कोई शुभ सूचना मिलने के प्रसन्न होंगे, आज आपका मन काफी प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेंगे, वहीं ननिहाल पक्ष से भी आपको कोई
खुशखबरी मिल सकते हैं जिनका असर आपको काफी अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति में लगा रहेंगे। वहीं मीन राशि के जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहितों को विवाह के बचते प्रस्ताव आ सकते हैं। भले आपके ग्रह गोचर आपको विवाह में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अड़चने डालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में आज के दिन मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके विवाह का तय होना मुश्किल लग रहा है। आज के दिन आपको धैर्य रखने होंगे। आज आपको आपके जो खर्चे हैं वे काफी बड़े रहेंगे, ऐसे में खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए आवश्यक होंगे। बेफिजूल के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थितियों को भी बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थितियां आपके खर्चों के कारण कमजोर हो सकती हैं, ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को खर्चों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेंगी। आपके कार्य व्यवसाय व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो सकेंगे। आप अपने व्यापार में आ रही कठिनाइयों का सामना करते हुए आप उन समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकोगे। आज के दिन मीन राशि वाले जातकों को व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, ऐसे में व्यर्थ की यात्राओं से बचे रहें, सोच समझ कर ही कार्य करें, सोच समझ कर ही व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक होंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए काफी आवश्यक होंगे। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन क्रोध ना करें। क्रोध करने से आप अनावश्यक वाद विवाद में फंस सकते हैं, अनावश्यक वाद विवाद में बचे रहने की कोशिश करें। आज के दिन मन आपका बेचैन हो सकता है, आपके मन में अलग प्रकार की नई नई भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसे में आज के दिन आपको विशेष रूप से धैर्य रखने होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और अमल तो कतई ना करें, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुविधापूर्ण स्थितियों से में गुजरना पड़ सकता है। आप अगर कहीं कहीं सुनी बातों पर यकीन करोगे, उन पर अमल करोगे तो आपके विवाद जरूर उत्पन्न होंगे। आज आपके घर में माता पिता या फिर आपके जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें, बातों को ज्यादा बात का बतंगड़ ना बनने दें। आज के दिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेंगे। आज किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से आपको बचने होंगे। आज के दिन जोखिम भरे कार्य न करें, बिना सोच विचार के कोई कार्य आज कोई भी निर्णय ना लें। आज के दिन कार्य क्षेत्र में उलझनों की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, परिजनों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से आपको सफलता मिलेंगे। बात करें व्यापारियों की तो आज के दिन व्यापार व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में नई नौकरी और नए चीजों के प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन तरह तरह की अनुभूतियों की प्राप्ति होंगे, आपको नए क्षेत्रों में कार्य करने के मौके मिल सकते हैं। आज का दिन आपको व्यापार में लाभ दिला सकता है, व्यापारियों के मध्य में आपकी सहयोगिता बढ़ सकती है, आप साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं या फिर आप अपने रुके हुए धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी खास रहेंगे। बात करें नौकरी पेशा वालों की तो नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा खासा रहेंगे। आज के दिन आपको थोड़ी सी मतभेद का भी शिकार होना पड़ सकता है, आपको धैर्य रखने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय सावधानी बरतें। मीन राशि वाले जातकों को धैर्य के साथ सावधानी से भी कार्य करने की जरूरत रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन व्यापारियों और नौकरी पेशा वालों के लिए अपने कार्य क्षेत्र पर वाद विवाद की बढ़ावा ना दें, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप अपने परिवार में और अपने अधिकारियों से या फिर अपने विश्वासजनी लोगों से आप जरूर सलाह मशवरा कर लें। जोखिम भरे निवेश ना करें। आज के दिन किसी कार्य को प्रसन्न करने से, किसी कार्य को पूरा करने से आपके मन में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होंगे, आप अपने प्रिय व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। आज के दिन बात करें लव लाइफ के तो आज के दिन जो लोग लव लाइफ में हैं वे अपने सगे संबंधियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। जो लोग काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, पारिवारिक संबंध में हैं, वे आज के दिन कई प्रकार के दुविधापूर्ण स्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। उनके संबंध में किसी प्रकार के कोई दरार उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है, ऐसे में मीन राशि वाले लव लाइफ वाले जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे बात का बतंगड़ ना बनाएं और ना ही किसी प्रकार का कोई शक अपने मन में पनपने दें, अन्यथा आपके शक की बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं, आपके रिश्तों में तनाव को उत्पन्न कर सकती हैं, यहां तक कि आपके रिश्तों को भी तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को धैर्य रखने होंगे। आज के दिन आपकी धार्मिक प्रवृत्ति होंगे, समाज में आपका मान सम्मान स्कृति में आपके इज्जत पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे, आपके विरोधी परास्त होंगे, यात्राएं लाभकारी रहेंगे, मंगलमय दिन रहेगा। आज के दिन आपका सोचा हुआ अधिकतर कार्य भी पूर्ण होंगे, शाम का समय आपके लिए आनंदित रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों को बताना
बताना चाहेंगे कि आप शाम को अपने सहयोगियों के साथ, अपने घर परिवार के साथ या फिर आप आस पड़ोस के लोगों के साथ बेहतर तालमेल कर सकोगे। बातचीत का एक समय में भी स्थापित हो सकता है। आपको शाम को राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के विशेष योग दिख रहे हैं। आप राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन सोच समझ कर कार्य व्यवहार करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आज कार्य सिद्धि का दिन है। आपका मन काफी प्रसन्न रहेंगे और मानसिक भार भी आपका हल्का होगा। आपके मन में जिस भी प्रकार की कोई भी संभावनाएं हैं, जिस भी प्रकार की कोई अड़चने हैं, जिस भी प्रकार की कोई भी दुविधा बनी स्थितियां हैं, वे आज के दिन दूर हो सकेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेंगे। आज के दिन भाग्य आपका 70% साथ दे रहा है, जिनकी वजह से कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में सफलता मिलेंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।